गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग गुड सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। एडवर्ड स्पेनमैन कोरिलेशन कोएफिशिएंट फ्रॉम द फॉलोइंग्स, सो राइट डाउन द क्वेश्चंस। द क्वेश्चन नंबर 10 नाइन नाइन टेन क्या है उनको? Find the Edwards Perlman. Find the Edwards Perlman's coefficient correlations coefficient correlations from the following data. Series A Series A then Series B Liko 115 109, sorry, 75 numbers. One zero nine 85 112 85 87 78 76 again 98 question 65 100 73 98 68 118 80. सो अभी क्वेश्चंस में खास बात क्या है यहाँ पर? 98 रैंकिंग 3 टाइम आया वाला है, इधर कुछ आया क्या? हाँ, 73 2 बार आया वाला है। सो वी वांट टू टेक द क्वेश्चंस, सम क्लेरिफिकेशन इज रिक्वायर्ड। नो वन स्टूडेंट शुड बी सॉल्व द क्वेश्चंस। देखो मैं कैसे सॉल्व करता हूँ, एंड देन यू शुड बी मेक द सॉल्व। सोल्यूशन क्या
कैलकुलेशन और रैंक कोएफिशिएंट कोरिलेशंस देखो यहाँ पर रैंक वन आर वन लिख रहा हूँ चलो वी सॉल्व द क्वेश्चंस विद यू. आपको टाइम दे रहा मैं लिखने के लिए. आई नो दैट मैंने कट पेस्ट कर लेकिन आपको टाइम लगेगा इसके लिए मैंने वेट करा. आपका होने के बाद बताओ. एनीवन स्टूडेंट शुड बी टेल मी इफ यू और सर सीरीज ए में वो सेकंड लास्ट वो भी 98 है क्या? नहीं 118 है ना? नहीं सर उसके ऊपर का. हाँ 98 है ना दिख रहा है ना 98. इट मींस सर ट्रिपल बार आया है वो 98. ठीक है ना चलो वही क्वेश्चन थोड़ा लेने का था डिफरेंस. तो सॉल्व विथ मी जैसा रैंक बताओ सबसे हाईएस्ट क्या है हमारे इसमें. 118 बराबर है क्या सब. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ओके नियर भी नहीं नहीं क्या. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ओके नो प्रॉब्लम. 1 1 वेट 1 आया. हाँ उसके बाद बताओ. 1 1 5 1 1 5 दो 1 1 3 उसके बाद 1 1 2 3 उसके बाद 1 0 9 1 0 9 1 0 9 नेक्स्ट 100 100 100 का 100. हाँ ये 5 अभी लास्ट 98 98. हाँ 98 का रहा नंबर कितना रहा हमारा. 6 6 6 नंबर 6. हाँ उसके बाद 98 कहाँ पर रहेगा मींस 3 जगह. यस तो लिखो एवरेज रैंक सीरीज. एवरेज रैंक सीरीज ए एवरेज रैंक सीरीज ए कितने नंबर का एवरेज है आपका. 6 6 6 एक बार आ रहा उसके बाद रिपीट 7 8 कितना आ रहा आपका 6 उसके बाद 7 भी रैंक उसका ही है और 8 भी रैंक उसका है तो डिवाइडेड पर हम 3 कर रहे हैं इसको कितना आ रहा करो 21 आ रहा ना 7 यस सर आंसर 7. तो इनके सभी के रैंक क्या आएंगे अभी 7th रैंक आएंगे 7th. सर वो 5 6 प्लस और 8 है. 6 7 8 नहीं सर. 6 7 8 नहीं है 5 6 और 8 है. नहीं 5 तो आया ना रे यहाँ. नहीं सर आप गिनो ना वहाँ पर. एक मिनट फाइव सिक्स सेवन आएंगे ना. हाँ ये 5 तो होगा ना. 6
सिक्स और एट फाइव तो हंड्रेड को आ गया ना. हाँ सर 500 को आ रहा. हाँ फिर प्रॉब्लम क्या है आपका? सिक्स सेवन एट ही आएगा. सिक्स सेवन एट का टोटल कितना? सिक्स सेवन एट का टोटल कितना? हाँ 21. तो अभी रैंक कितना आएगा वहाँ पर? हाँ तो उसका रैंक आ रहा सेवन. सबका रैंक एवरेज आएगा सेवन रहेगा. तीन है ना सेवन. यस छोड़ दो बाकी नहीं है तुम्हें. अभी ये इसका रैंक कितना आएगा अभी? एट. 87 का एट. अभी क्या निकालते हैं हम यहाँ पर? आर का स्क्वायर निकालते ना. क्या सिस्टम हमारी? यस सर ये मेथड से करो, नहीं तो दूसरी एक मेथड है उससे क्वेश्चन करेंगे उसको डिफरेंट मेथड से करेंगे. ठीक है अभी बी सीरीज करो. यू सॉल्व द बी सीरीज एंड देन आई शुड बी सॉल्व. आपको टाइम दे रहा मैं. बी सीरीज सॉल्व करो. देखो ना सॉल्यूशन कैसा करते हैं हम. रैंक निकालते आप सॉल्व करो आर टू और मुझे बताओ होगा क्या आपका. बाद में क्या करते हैं आर वन माइनस आर टू करो आप. बाद में डी इसको डेविएशन बोलते हैं. डेविएशन आर वन माइनस इसका स्क्वायर लेते हैं. यू मे सॉल्व फर्स्ट क्वेश्चंस देन आई विल सॉल्व. हो गया रैंकिंग. आर यू फिनिश सर? यस सर. इसमें भी डबल है ना कहीं तो भी? नहीं है सर. 73 डबल. 73 डबल. चलो इसमें बोलो मुझे रैंक. 85 का फर्स्ट. 85 फर्स्ट. हाँ नेक्स्ट 80 सेकंड. नेक्स्ट 76. कितना नंबर आ रहा है इसका? 3. थर्ड. हाँ फोर्थ पे कौन है? 75. फोर्थ पे. बाद में 73. हाँ 73 कितना रहा? एक लो एवरेज रैंक सीरीज बी 5.5. ठीक है ना जो भी आ रहा. कितने वहां पर 73 कितने बार है? दो बार है ना. कितना नंबर है उसका? 5 + 6. 5 + 6 आ रहा ना. 5 + 6 डिवाइडेड बाय कितना आएगा? अभी ये दो आएंगे तो कितना आएगा? 5.5 ना. 5.5. हाँ किसका रैंक? 73 का ना. तो ये 5.5. बाद में क्या है? 70. अभी इसका रैंक आएगा बोलो. हमारा देखो 5 और 6 हो गए वाला है. अभी कितना आएगा वो? 7th रैंक पे आएगा. आर यू गेटिंग ना? डोंट कंफ्यूज. ये हमारा रैंक कितना होगा था? 5 और 6 इज ओवर. अभी रैंक कितना आएगा हमारा? 7. ये 7 और कौन सा है बोलो? उसके बाद 8 पे ये आएगा ना. 68. 8 पे और ये 9 पे. सो करो अभी 2 - 4 तो -2 बराबर है ना.
फोर माइनस तो 1.5 माइनस के 3, ये प्लस के 2, और 8 माइनस 7 प्लस का 1, ये 7 है बोला। सेवन माइनस थ्री फोर प्लस फोर सेवन, ये माइनस के टू फाइव है तो ये कहेंगे माइनस पॉइंट फाइव, बाद में सेवन माइनस फोर माइनस वन, वन माइनस ये वन। अब इसका स्क्वायर करो, टू का फोर, 1.5 का स्क्वायर कितना आ रहा, 2.25 ओके 25 और 2 का 4, 1 का 1, 4 का 16, 2 का 4, 0.5 जाएगा उसका पॉइंट आए तो कितना आएगा, 0.25 ना, 0.25 हाँ 25, 1 का 1, 1 का 1, तो इसका नाम क्या रहेगा, सबमिशन डी वन डी स्क्वायर। बताओ डी स्क्वायर कितना आया आपको, ओके तो इसको थोड़ा अलग से फार्मूला लगता है, डोंट वरी, राइट डाउन अप्लाई बाय अप्लाई बाय अप्लाई एडवर्ड एडवर्ड स्पेयरमैन फॉर्मूला फॉर फॉर्मूला फॉर कोएफिशिएंट फॉर कोरिलेशन कोएफिशिएंट कोरिलेशन कोएफिशिएंट लिखो, आर इज इक्वल टू वन सिक्स ब्रैकेट में सबमिशन डी का स्क्वायर प्लस सबमिशन टी थ्री माइनस टी ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय 12। अभी ये फार्मूला है तो उसको टेंशन मत लो, फार्मूला लर्न हो जाएगा या नहीं वो होते रहता, आपको पता है। नाइन नाइन का स्क्वायर माइनस वन, यहां तक फार्मूला समझ में है, राइट डाउन द फार्मूला, वी शुड बी सॉल्व द क्वेश्चन। आर इज इक्वल टू वन माइनस है माइनस सिक्स इसका है, ईडी का स्क्वायर कितना है वाला देखो आपका 32 ना, हाँ 33.5 33.5। अभी टी मीन्स हमारा टोटल सीरीज का एवरेज कितना है, हमारा तीन बार तीन आया वाला, ये देखो यहाँ पर ये थ्री बार थ्री आया वाला, इसके लिए थ्री का स्क्वायर क्यूब, इसका क्यूब लेने का माइनस थ्री ब्रैकेट क्लोज, और टू का कितने आया वाला है, ये दो का एक ही बार आया वाला है आपका, करेक्ट है ना, तो माइनस टू। ये समझो आप कंफ्यूजन हो, ये तीन का तीन बार लिए, इसके लिए हमारा ये तीन बार आया वाला है, वन टू थ्री,
और इसमें वन वह एक ही बार आया रिपीटेशंस, इसका भी थ्री है ना, वो ये फॉर्मूला है थ्री का, सॉरी टी का क्यूब फॉर्मूला है वो, डिवाइडेड बाय 12 है तो इसका भी 12 आएगा और इसका भी 12 आएगा। अभी एन कितना है हमारा, 9, 9 का है ना, मैंने थोड़ा डेलिबरेटली 9 का लिया, हर बार 10 का लेते तो बच्चों को कभी कभी एग्जाम में पता होना चाहिए कि लाइफ में कभी कभी 9 भी आता। सो अभी मेक द सिंपल कैलकुलेशंस, आर इज इक्वल टू 1 माइनस बताओ मुझे 6 मल्टीप्लाइड बाय करने के बाद कितना आ रहा है इसका, एक एक करेंगे ना पोर्शंस, ये तो 6 रन तो भारी इसको, ये 33.5 को भी रन दो ऐसी, ये 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 ये कितना रहा हमारा 27, 3 का क्यूब कितना है अब देखो, 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 27, ओके वेरी गुड, माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2 इसका कितना आ रहा बताओ मुझे, 8 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 कितना आ रहा, माइनस 2, हाँ 8 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 12, इसका कैलकुलेशन करो, और नहीं इसका कितना आ रहा 81 ना, 81 माइनस 9 करेक्ट है ना, 9 का स्क्वायर कितना है, हाँ 81, अरे सॉरी सॉरी मैं 9 में 81 -1 1 1 करेक्ट है आपका, करेक्ट फॉर्मली भी 1 है, मेरा गलती से ठीक है, तो R1 इज इक्वल टू 1, तो एक ही मिनट वेट करो, बाकी मैथमेटिकल सॉल्व करो, यस यू सॉल्व द क्वेश्चंस, मैथमेटिकल तो अभी कर सकते हैं ना, यस सर, इसका सॉल्यूशन बताओ मुझे, ट्वेंटी सेवन माइनस थ्री डिवाइडेड बाय तो ये सिक्स टू आ रहा उसका आंसर, हाँ ठीक है ना मैं कर रहा हूँ, ये 33.5 इसका आंसर 2 आ रहा, हाँ इसका कितना आ रहा 8 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 12 तो पॉइंट कुछ तो देगा, तो ये पॉइंट 0.5 करेक्ट है ना, यहाँ तक 81 में से जाए 80 माइनस 80 मल्टीप्लाइड बाय 9 तो ये है आपका 724.5 करेक्ट है ना, 81 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 9 सही गलत हो रहा मेरा 81 720 हाँ 720 आ रहा मल्टीप्लाइड बाय 9 720 कैलकुलेशन करो आप, करो सब्जन पहले 1 इज इक्वल टू 6 यार ये क्या होगा डबल ब्रैकेट अभी ये करो 33.5 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 33.5 कितना आंसर आ रहा उसका, 1 आ रहा है
सिक्स मल्टी सर वहाँ पे 33.5 मल्टीप्लाइड बाय 2 है या 33.5 प्लस 2 है? प्लस नहीं है ना, प्लस कहाँ है सिग्नेचर? सर एक बार फॉर्मूला दिखाओ। फॉर्मूला में प्लस ही है, प्लस ही है, करेक्ट है, प्लस ही है, प्लस। जब भी हमने n माइनस n वो n माइनस है हमने मल्टीप्लाई किया है n को। ये n माइनस n स्क्वायर माइनस 1 है, हमने नीचे 9 को मल्टीप्लाई किया है 80 से। गलत होगा ना, मैं ही बोला ना, मैं कुछ तो भी हो रहा तो ये 9 माइनस है ना उसमें से। फॉर्मूले में माइनस ही है। तो 81 कितना रहा हमारा? 80 माइनस 9 तो 71 माइनस, ठीक है करो। ये प्लस है बोले यहाँ पर, करेक्ट हमारी सही रही थी, ये प्लस है। हाँ तो मेक द कैलकुलेशन, ये प्लस है। इसका आंसर कितना रहा आपका? 33.5 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 0.5, तो इसका आंसर आ रहा 33.5 आ रहा ना सर, प्लस 6 हाँ सर 39.5। इसके बाद की स्टेज क्या है आपका? ऊपर का आंसर कितना आ रहा मुझे बताओ? 34.5 आ रहा नहीं, ये सभी का टोटल कितना आ रहा? 39. करेक्ट है क्या? 34.5 आ रहा है। 33.5 मल्टीप्लाइड बाय 2, हाँ ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 2.5 प्लस 6। अरे देखो 39 आ रहा है मेरा सर, वो फॉर्मूला में फॉर्मूला 33.5 और 2 के बीच में प्लस का साइन। हाँ सर मल्टीप्लिकेशन नहीं है, 33.5 प्लस है। कितना आंसर का? ये 2 मल्टीप्लाइड में 0.5 प्लस इसका 1 आ रहा प्लस 33.5, 34.5 करेक्ट है? 33.5 ये मल्टीप्लिकेशन है, प्लस रहा है थोड़ी, ये मल्टीप्लिकेशन की साइन है ना। इसका आंसर आ रहा 6.34.5। ये कितना होगा था हमारा? 81, 90 का स्क्वायर, 90 का स्क्वायर 81 माइनस 1। ऊपर कैसे करे थे हमने? एक मिनट सॉल्यूशन, जस्ट मिनट पे। अरे ये फॉर्मूले में एन नहीं है, ओके मेक द करेक्शंस। ये ऐसी है, देखो हमने जो क्वेश्चन सॉल्व करे थे ना, एन माइनस की सिग्नेचर निकाल दो उसमें से फॉर्मूले में, ये गलत है। तो आपका आएगा ये 720, क्या कितना रहा था? 720 R is equal to क्या है? 1 minus है ना ये, हाँ ये ऐसा। तो 34.5 multiplied by 6 कितना आपका? 207 ना,
चेक करो, हाँ डिवाइडेड बाय 720 डिवाइडेड बाय 720 तो आपका आंसर आ रहा 0.2875। हाँ ठीक है, आर माइनस इज इक्वल टू 0.2875। आर इज इक्वल टू, बताओ अभी आर इज इक्वल टू दिखाएगा, ये माइनस इधर जाने के बाद ये माइनस है ना, यहाँ पर साइन, इधर साइन माइनस की है, इधर कैसा लिखा, हाँ ये ऐसा है तो इधर जाने के बाद ये माइनस हो जाएगा, 1 माइनस 0.2875 तो आंसर कितना आ रहा बताओ मुझे, 0.7125 0.7125 0.72। यस दिस इज सॉल्यूशंस। अभी इसको होमवर्क के लिए मैं देता यही क्वेश्चंस आपको, आपको यहाँ पर ऐड करने का है फॉर होमवर्क क्वेश्चंस का ये, हाँ एक क्वेश्चंस में एक चीज ऐड करने की है फॉर योर होमवर्क, इसमें होमवर्क के लिए 120 यहाँ पर ऐड कर रहा मैं यही क्वेश्चंस में, और इधर 82 और होमवर्क में क्या है आपका ये पार्ट ऐड है खाली, यस दिस पार्ट ऐड योर होमवर्क, इसको होमवर्क के लिए ले लो क्वेश्चंस, या कट पेस्ट करके दे दो नीचे आपको, ठीक है वैसा दिए नहीं सर हो जाएगा वो बेटर हो जाएगा। सर बी सर सर बी सीरीज में क्या ऐड करना है, देखो एक ही मिनट जस्ट मैं क्वेश्चन ही इसको रिपीट दे दे रहा हूँ, जस्ट मिनट जस्ट मिनट वेट, जस्ट मिनट एक क्वेश्चन लिख लो आप पहले,
होमवर्क के लिए कुछ अरे कहाँ पूछूंगा वो चार नंबर अभी क्वेश्चन नंबर आपका जो भी है क्वेश्चन नंबर 10 होमवर्क यस अभी इसमें चेंजेस क्या कर रहे हैं हम खाली चेंजेस कर रहे हैं हम 120 और 82 सेम क्वेश्चन से 120 और 82 बाकी कुछ नहीं इतना ही चेंज है लिखो क्वेश्चन नंबर 10 फॉर होमवर्क कैलकुलेशंस ये ऊपर कहीं जाने का उसको उसको कट कर दे सर सर 120 और 82 ऐड किया हाँ उसके सामने करेक्ट है कंट्रोल सी ठीक है क्वेश्चन ये लिख लिया ये क्वेश्चन इज ओवर हां सर यस सर अभी इसमें कुछ नहीं फार्मूला यूज करने का एंड सॉल्व द क्वेश्चंस सर वो फार्मूला एक बार फिर से बताइए ना ठीक है ठीक है ना मैं फार्मूला उसको क्वेश्चन नंबर 10 होमवर्क ये क्वेश्चन से मैंने चेंजेस खाली इतने ही चेंजेस करे वाले यहाँ पर 120 और 82 फॉर्मूला यही है देखो हाँ मैंने करेक्ट कर दिया फॉर्मूला ये सर वो 1 माइनस 6 ही है आर इज इक्वल टू 1 माइनस 6 ये यहाँ पर एक्चुअली कैसा है मेरा यहाँ पर इसको करेक्शन करता हूँ लिखते होगा तभी पेन से कैसा बोर्ड है ना तो आप बराबर लिख सकते हो ये ऐसा है वो आर इज इक्वल टू 1 माइनस है यहाँ पर मैंने ऊपर लिया एक्चुअली माइनस यहाँ पर ऐसा फॉर्मूला है इंग्लिश ये दोनों का है ना इधर लिए तो ऊपर का आ जाएगा वो बीच में ही है समय एकदम सर 9 वाला